हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दोस्त हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका कि कितने घंटे हम अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें। अगर आप एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में यही क्वेश्चन क्रिएट होता होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टेंशन होता होगा कि ये तो बोर्ड एग्जाम से अलग चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में हम कैसे पेपर लिखते हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन हम चूंकि इंजीनियरिंग करने आए हैं तो क्या हमको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी को देना है ताकि हमारे 70, 75 या फिर 80 या फिर 80 के अबव परसेंटेज बन सके। सो इस चीज को लेके इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग कितना प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके या फिर 75% से ऊपर मिल सके। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल, मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यही क्रिएट होता है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए कितना घंटा पढ़ें, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए अभी से कितना पढ़ें। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अगस्त मंथ चल रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी की बात मैं कर रहा हूं कि अभी से आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए कितना पढ़ाई करना है। मान लीजिए आपका सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर के लास्ट में होगा, ठीक है, तो अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से आपको कितना पढ़ाई करनी चाहिए ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्त, ये चीजें आपके परसेंटेज पे डिपेंड करती है कि आप अपने एग्जामिनेशन में कितना परसेंट लाना चाहते हैं। अब बात आती है परसेंटेज की, तो परसेंटेज के हिसाब से आप जो है वो पढ़ाई करेंगे तभी तो आपके जो है वो कुछ चीज़ें पता लग पाएंगी कि इतने घंटे पढ़ने से हम इतना परसेंटेज ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कई बार ये होता है कि पढ़ने से परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं होता इंजीनियरिंग में, क्योंकि काफ़ी बहुत सख्त से जांची जाती है, जिसमें जो है वो लड़का अगर अच्छे से लिखा है, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है तभी उनको नंबर मिलता है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं बट उनके परसेंटेज नहीं आते। तो ये तो बात डिपेंड करता है कि घंटा जो है वो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से परसेंटेज नहीं बनते, लेकिन इसका एक बहुत तगड़ा भी इफेक्ट होता है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी तो परसेंटेज आएंगे। तो इस चीज़ को लेके हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगस्त मंथ चल रहा है तो अभी से अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, आप डेली 2 घंटा का मतलब क्या कि एक ही सब्जेक्ट को लेके ना पढ़ें 2 घंटा, अब सभी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत आप देखते रहें, कॉलेज अटेंड करेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई होगी ही, और यहाँ पे आके रिवाइज करते जाएं जो 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 चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको, ठीक है, तो आपका 70% से ऊपर बन सकता है, ठीक है। अगर रेगुलर आप 3 घंटा पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के, अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट 3 घंटे के अंदर आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपने ईमानदारी के साथ 3 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर दी अगस्त मंथ से दिसंबर मंथ तक, तो आपके 75% कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बेईमानी का सेंस क्या है कि आप जो है वो आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए, इस 3 घंटे के अंदर एकदम फोकस रहना चाहिए इस पे। अगर आप 80% पाना चाहते हैं तो अभी से आपको 5 घंटे डेली पढ़ना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझ में आती है दोस्त। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने सेमेस्टर में, जब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हुआ था तो उस टाइम में डेली 1 घंटे पढ़ता था अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन जब एग्जामिनेशन आया तो हमने 4 से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक की प्रिपरेशन की घर पे, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं था 15 दिन के बाद से, तो उस 15 दिन में हमने तगड़ी प्रिपरेशन कर दी, जिसके वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में 75% आया है। और फिर सेकंड सेमेस्टर में जब हम एंटर किए तो चूंकि परसेंटेज ज्यादा करने के लिए हमने थोड़ी स्टडी तेज कर दी, यानी कि 2 घंटे डेली पढ़ने लगे, और जब एग्जामिनेशन नियर आ गया यानी कि 1 महीने पहले से हमने 5 से 10 घंटे के बीच में शेड्यूल बना लिया और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। कॉलेज उस टाइम नहीं जाते थे तो उस टाइम बना हमारा 77%,
ठीक है। तो आप अगर 5 घंटे अभी से पढ़ेंगे और जो आपका कॉलेज बंद हो जाएगा अपने प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो उस टाइम आप 10 से 11 घंटा पढ़ेंगे तो 80% जरूर आ जाएगा। हालांकि इंजीनियरिंग में 80% लाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, बट कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे ही क्लासेस में कई स्टूडेंट हैं जिनका 80 से above percentage है। और एक बात और कहनी थी, देखिए दोस्त, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, ना कि परसेंट के ऊपर भागिए, ठीक है। परसेंटेज भी मायने रखता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा किसी जॉब के लिए तो वहाँ पे आपकी परसेंटेज थोड़ी बहुत काम आएगी, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी बोलने का तरीका है, आपका बिहेवियर जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो अदरवाइज परसेंटेज के आप इन चीज़ों को भी डेवलप कीजिए अपने अंदर, किसी के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, अच्छे से कन्वर्सेशन कीजिए अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने टीचर्स से सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए कि किस तरीके से क्या मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं ताकि हम सबके सामने अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको समझ में आ गया कि अगर पॉलिटेक्निक के आप स्टूडेंट हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कितना पढ़ना है आपको, अगर परसेंटेज उतना लाना है, तो ईमानदारी के साथ जो बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, 2 लाइन लिख के कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, उसके बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।